आज हम सिंगल आई से 6283 का बोर्ड बनाएंगे। इसके लिए काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी, तो आइए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह ये हमने प्रिंट निकाल रखा है और आयरन से प्रेस करेंगे लगभग 10 मिनट। फिर पानी में डालकर पेपर को धीरे धीरे हटाएंगे। ये हट जाने के बाद फेरिक क्लोराइड में डुबो देंगे और धीरे धीरे हिलाएंगे लगभग 15 से 20 मिनट। ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा। बाहर निकालकर पानी से वॉश कर लेंगे। थिनर की सहायता से जो ये प्रिंट छपा हुआ है इसे मिटा देंगे। अब कर लेते हैं इसमें होल। होल करने के बाद ऊपर से प्रिंट चिपका लेंगे। अब इसे हटा लेंगे, ये साफ दिखे। इसके लिए वेजिटेबल ऑयल लगा सकते हैं। ये तैयार है आपका पीसीबी। कंपोनेंट्स की लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, चाहे तो आप यूटी स्टोर से परचेज कर सकते हैं। अब माउंटिंग करते हैं। सबसे पहले दो रेजिस्टेंस 22 के क्वार्टर वाट में है, दो रेजिस्टेंस 150 ओम। एक रेजिस्टेंस 560 ओम। दो पीस रेजिस्टेंस है 2.2 ओम क्वार्टर वाट में और एक रेजिस्टेंस है 2.2 ओम की हाफ वाट में। चार डायोड है 4007। इसमें प्लस माइनस होता है, निशान देख कर लगाएंगे। जिस साइड निशान है उस साइड होना चाहिए। चार कैपेसिटर है 0.1, जिस पर 104 प्रिंट रहता है। और दो पीस है 001, जिस पर 102 प्रिंट रहता है। पांच पीस कैपेसिटर है 100 UF 25 वोल्ट में। इसमें भी प्लस माइनस देख के लगाएंगे। और इस पर प्रिंट पे ध्यान ना दें, आपको प्रिंट सही मिलेगा, इसमें प्रिंट गलत है। तीन कैपेसिटर है 470 UF 25 वोल्ट में। एक कैपेसिटर है 2200 UF 25 वोल्ट में। एक कनेक्टर लगा लेंगे 3 पिन का और एक 2 पिन का। एक ऑक्स सॉकेट फोन से कनेक्ट करने के लिए। और तीन पीस हैं 2 पिन 5 mm में स्क्रू वाले कनेक्टर, दो स्पीकर के लिए और एक ट्रांसफार्मर के लिए। इसमें दोनों में अलग कुछ भी नहीं है, केवल कलर का अंतर है। ट्रांसफार्मर के लिए हमने अलग कलर लिया है केवल दिखाने के लिए, आप एक ही कलर का यूज कर सकते हैं। एक 22 के ड्यूल पोटेंशियोमीटर, आप चाहे तो 47 के भी यूज कर सकते हैं। एक IC है CD6283। एक रेगुलेटर IC 7805, इसे हीट सिंक में कस लेते हैं। अगर आप केवल फोन से चलाना चाहते हैं तो इसे लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप फोन से चलाना चाहते हैं तो ये सब कंपोनेंट ना लगाएं तो भी चलेगा, क्योंकि ये 78.5 5 वोल्ट आउट के लिए है। और ये ऑडियो के लिए एक कनेक्टर लगा रखा हमने 3 पिन का। और आप अगर MP3 कार्ड से प्ले करना चाहते हैं तो ये ऑक्स का सॉकेट ना लगाएं तब भी चलेगा। अब इसे पलट लेते हैं। अब करेंगे कटिंग। सोल्डरिंग करने से पहले लगा लेते हैं ये लिक्विड फ्लक्स, उसके बाद सोल्डरिंग। प्रिंट काफी क्लोज हैं, देखकर सोल्डरिंग करेंगे। प्रिंट आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए एक दूसरे से। अब थिनर से वॉश कर लेते हैं। चाहे तो आप वॉश ना करें तब भी चलेगा। ये वॉश करने से क्या होता है, एक तो साफ दिखाई देता है, दूसरा अगर कोई प्रिंट शॉर्ट है आपस में शोल्डर की वजह से तो भी साफ दिखाई दे जाता है। एक नॉब लगा लेते हैं। IC पर हीट सिंक लगा लेते हैं।
ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है 1 एम्पियर का, कनेक्ट कर लेते हैं इसे। हमारे पास दो स्पीकर बॉक्स हैं, इन्हें भी कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास केबल है ऑक्स से फोन में कनेक्ट करने के लिए, इसे फोन में लगा लेते हैं। अब ऑक्स सॉकेट में भी लगा लेंगे। अब प्ले करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दिखाने के लिए भी बहुत कुछ बाकी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।